मानव समाचार मानवता के हक में। आप देख रहे हैं मानव समाचार, आइए देखते ब्रेकिंग न्यूज। बतारीख 31/10/2018 से लेकर 18/3/2023 के दरमियान फिरियादी उम्र 50 साल है और वो टीचर है। आरोपी महफूजुर रहमान जुबैर अहमद उम्र 37 साल, दूसरा आरोपी अंसारी जियाउर रहमान जुबैर अहमद उम्र 32 साल अफरनगर मालेगांव के हैं। इन्होंने फिरियादी को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके सालाना 18% मुनाफा मिलने की लालच दिखाकर और फिरियादी का भरोसा हासिल करके शेयर मार्केट के नाम पर बार बार रुपयों की मांग करते रहे और फिरियादी ने खुद के अकाउंट से इन आरोपियों के अकाउंट में, जो अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शिवाजी पुतला शाखा मालेगांव में ऑनलाइन और गूगल पे ट्रांजैक्शन के तहत भेजते रहे। ऐसे कुल मिलाकर 24,35,500 रुपये की रकम इन लोगों ने फिरियादी से ऐंठ ली। जब फिरियादी को अपना कोई भी फायदा नजर न आने पर इन्होंने इन लोगों से अपने रुपयों को वापस मांगे, लेकिन आरोपियों ने ये रुपये उन्हें लौटाए नहीं और फिरियादी को माली तौर पर फंसाया। इसलिए फिरियादी ने सिटी पुलिस स्टेशन मालेगांव में बतारीख 7/8/2024 को 8:20 पर इन आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। तभी बतारीख 7/8/2024 को 9:24 पर पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और इन पर आईपीसी की धारा 420/506/34 के तहत लगाई गई। इस केस की तफ्तीश सिटी पुलिस स्टेशन के PI बहुरे कर रहे हैं। आरोपी महफूजुर रहमान के वकील खलील अंसारी से हमारे नुमाइंदे ने बात की। सिटी पुलिस स्टेशन के अंदर 214/24 ये CR नंबर है और IPC की कलम 420/406 रेडवी 34 ऑफ IPC की कलम जैसे धारा से विनोद ने सिटी पुलिस स्टेशन जो है इन्होंने गुना दाखिल किया है मालेगांव, और वो बॉम्बे में टीचर है, उसने ये सिटी पुलिस स्टेशन के अंदर गुना दाखिल किया है। गुना जो दाखिल हुआ है 7/8/2024 को, और उसका इंसिडेंट जो है ये जो स्टार्ट हुआ है 31/10/2018 से, तो उसमें और टाइम टू टाइम उसने थोड़ा थोड़ा कर पैसे करके कुछ कैश में, कुछ ATM से, कुछ अकाउंट से और कुछ ऑनलाइन ऐसे ट्रांजेक्शन जो है 24,35,500 इतना ऐसे बोलो उसका ट्रांजेक्शन हुआ है, ऐसा उसका उसने फिरियादी है। फिरियादी का ऐसा बोलना है कि उसने वो महाराष्ट्र बैंक जो है उसकी जो बैंक अकाउंट खाता है वहाँ पर वो गई थी अकाउंट में बैंक में काम के लिए, वहाँ पर आरोपी नंबर एक से मुलाकात हुई, उसने अकाउंट उस जो फिरियाद है वो बता रहा मैं, तो उसने वहाँ पर उससे मुलाकात हुई, वो बोले मैं शेयर मार्केट में काम करता 18% से आपको मुनाफा दूंगा, इस ताल्लुक से बातचीत उन्होंने बातचीत कर एक दूसरे के ऊपर जो भी अहतमाद करके वो लोग ने पैसे अपना ये थोड़ा थोड़ा करके उसको ट्रांजेक्शन इतने हुआ है, ये पैसा इतना हुआ है। बाकी ये ऐसी उसकी फिरियाद है, इस ताल्लुक से उसमें फिरियादी जो है फिरियादी की फिरियाद के ऊपर महफूजुर रहमान जुबैर अहमद और अंसारी जियाउर रहमान जुबैर अहमद ये ऐसे दोनों भाई है, इन लोगों को पुलिस ने कल अरेस्ट करके आज कोर्ट में उनको हाजिर करा उसमें पुलिस कस्टडी की डिमांड करी। पुलिस कस्टडी में उनका पुलिस का ऐसा बोलना था कि 24,35,500 रुपया जो है ये इनके अलग से रिकवर करने हैं और इसके अंदर और दूसरा कोई इसमें मुलव्वस है क्या उसकी तपास करने हैं, बैंक की डिटेल वगैरह कलेक्ट करने हैं। इस ग्राउंड के ऊपर पुलिस कस्टडी की डिमांड की थी, उसके अंदर मैंने उस कोर्ट को यही बोला इसके अंदर कि इसके अंदर जो है 2018 से ये बैंक के अंदर ऑल ऑफ सडन मीटिंग मुलाकात होती है, मुलाकात के अंदर ये एक दूसरे से बाद में ट्रांजेक्शन करते, पैसे का लेन देन करते, और 31/10/2018 से लेके उसके बीच में भी एक साल का गैप है। 2019 के अंदर 9 महीने के अंदर उसने वापस पैसे लगाई है, तो एक एक दो दो साल के 6-8 महीने के गैप से उसने पैसे जो लगाई है, तो उसको किस चीज़ का उसके ऊपर कॉन्फिडेंस था कि अगर कोई अननोन पर्सन के ऊपर, थर्ड पर्सन के ऊपर जिसको अपन जानते नहीं पहचानते नहीं उसको अपन कैसे पैसे दे देंगे, इसमें कुछ और मामला होगा इसके अंदर, क्योंकि जिसको अपन जानते नहीं है वो LIC का या फिर वो शेयर मार्केट में काम करने वाला है एजेंट है या जो भी है, उसके लिए उसके अलग से कोई ऑथेंटिक पेपर वगैरह कुछ इन्होंने के ID प्रूफ है ये वगैरह कुछ नहीं लेते हुए इतने पैसे कैसे लगाएंगे, हाउ इज पॉसिबल, ये बहुत मुमकिन ही नहीं है, ये इजीली डाइजेस्ट नहीं हो सकता कि कोई किसी को जानता नहीं पहचानता नहीं है इतना पैसा लगा देगा, क्योंकि टीचर ये लड़की जो है फिरियादी जो है टीचर है, वेल एजुकेटेड है, उसको नॉलेज है शेयर मार्केट
और दूसरे मार्केट के बारे में, माँ बाप बॉम्बे में रहती है, उसको जनरल नॉलेज है, सबकी नॉलेज है, उसके नॉलेज होते हुए भी वो मालेगांव में आके दूसरे को जिसको जानती नहीं पहचानती नहीं उसके अलग पैसे लगाती, तो ये मुमकिन मुमकिन है नहीं, इसके अंदर डाउट क्रिएट होता, इसलिए उसको पुलिस कस्टडी नहीं देना चाहिए। तो कोर्ट ने उसको दोनों बाजू की सुन के एक दिन की पुलिस कस्टडी दी है। मोर अपडेट्स के लिए देखते रहे मानव समाचार, हमेशा सच के साथ।